इतना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। एमडी है ना, एमडी इतने कलेक्शन सेंटर में अगर हम यहाँ पर अनुज्ञा बनाया तो जब वो डिस्पैच हो रहा है तो वो यहाँ पर अनुज्ञा अनुज्ञा का भी क्रमांक वगैरह तो पता नहीं लगता अनुज्ञा। आज आपने निरीक्षण किया यहाँ पर, क्या क्या देखा, किस प्रकार की खामियाँ नजर आई आपको? अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि जैसा कि शासन की और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा है, प्रदेश की कुछ चयनित मंडियों को हाईटेक मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है। हाईटेक मंडी से आशय है कि जहां पर अधोसंरचना बेहतर हो, किसान हितैषी हो और जो किसान भाई हैं उनका जो समय है उसमें बचत हो, प्रवेश से लेकर निकासी तक के समय को। और एक ई मंडी की अवधारणा है जैसा कि आप जानते हैं, जहाँ पर पूरी प्रक्रिया प्रवेश से लेकर उसकी नीलामी, तौल और भुगतान पत्रक जो जनरेट होता है वो पूरी प्रक्रिया कंप्यूटराइज हो जाएगी, पॉस मशीन के माध्यम से होगी। आप जानते हैं कि देवास मंडी पहले से ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसमें शामिल है। इस व्यवस्था को पूरी तरह से हम देवास मंडी में लागू करेंगे और शासन की जो 100 दिवसीय कार्य योजना है उसके तहत प्रयास ये है कि 100 दिवस में जो अधिकतम प्रयास देवास मंडी में हम लोग कर सकते हैं, चूँकि पूर्व से चयनित मंडी है तो उसमें किए जाएँ। आज निरीक्षण इसी उद्देश्य से किया गया था। निरीक्षण जैसा कुछ भी नहीं था, केवल जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, व्यवस्थाएँ हैं, उसमें और कैसे बेहतरी कर सकते हैं और जहाँ पर कमियाँ हैं उनको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो उसमें मेरे साथ हमारे सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर थे मंडी बोर्ड के मेरे सहायक संचालक थे, यहाँ के जॉइंट डायरेक्टर उज्जैन संभाग के थे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे डिवीज़न के, और यहाँ के मंडी सेक्रेटरी और बाकी साथी अधिकारी थे। सर, यहाँ कुछ निर्देश मैंने दिए हैं। सफाई व्यवस्थाओं को लेकर काफ़ी शिकायतें आती रही है। सफाई को लेकर स्पेशली फल सब्जी मंडी प्रांगण में काफ़ी व्यवस्थाओं को लेकर मैंने निर्देशित किया है और ये भी कहा है कि संबंधित को शोकॉज नोटिस जारी किया जाए और यदि आवश्यकता हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन मुझे लगता है कि आगामी एक माह में, जैसा कि मुझे आश्वस्त किया है यहाँ के अधिकारियों ने, व्यवस्थाएँ काफ़ी हद तक बेहतर होंगी और समयबद्ध कार्यक्रम हम लोगों ने एक लिया है। हर चीज़ के लिए एक टाइम लाइन तय की है कि कौन सी चीज़ कब तक हम लोग कर पाएंगे। सर, अतिक्रमण की भी शिकायतें यहाँ पर मिलती रही है। पिछले दिनों समिति ने चिन्हित किए थे अतिक्रमण, लेकिन उन्होंने आज तक हटाया नहीं। अभी मुझे ऐसे कोई विषय मेरे संज्ञान में आया नहीं। यदि कोई विषय अतिक्रमण का आता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करें। सर, कृषक विश्राम गृह में ताले लगे थे। कृषक विश्राम गृह में अभी जो व्यवस्थाएं हैं, चूंकि एक विश्राम गृह अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, दूसरा विश्राम गृह भी लगभग तैयार है, उसमें आवश्यकता के हिसाब से उसको खोला जाता है ताकि उसका दुरुपयोग ना हो। कई बार असामाजिक तत्वों की स्थिति बनती है या कोई ख़राब करके चला जाए, लेकिन कृषकों की यदि जो कृषक भाई हैं उनकी डिमांड होगी तो निश्चित रूप से। सर, मंडी कार्यालय से टोल बुक चोरी होने के मामले भी सामने आए हैं। पिछले दिनों टोल बुक चोरी हुई थी, उस पर आप सर क्या? अच्छा, मैं अपने अधिकारियों से चर्चा करके इस विषय में यदि कोई कार्रवाई अपेक्षित है तो निश्चित रूप से करूँगा। ठीक है, ठीक सर।